نحمدك يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم من يطع الرسول فقد أطاع الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلات کے بعد احباب عزیز وقار و سامعین محتشم ہمارا جو ہفتہ وار درس قرآن ہوتا ہے اس کا جو موضوع ہے آج کا صحابہ کرام علیہ مردوان کا عمل اور آج کے مسلم کا عمل ان کا آپس میں تقابل ان کا آپس میں سب سے پہلی بات اور بنیادی بات اس اعتبار سے اس موضوع کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک مسلمانوں کے نزدیک جو شخص رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلات و تسلیم کی احادیث مبارکہ کا منکر ہو اس کا اسلام سے کوئی تعلق یہ بنیادی باتیں آپ جب سمجھ لیں گے تو پھر ہم تقابل کرنے اور کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کیا ہے منکر ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق جو یہ کہتا ہے کہ مجھے ہر چیز کا ثبوت صرف قرآن سے درکار ہے صرف کس کتاب سے درکار ہے اول تو یہ بات ناممکن ہے مثال کے طور پر جو منکر حدیث ہے بندہ اس کو کہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں مسلمانوں پر نماز کو کیا فرمایا ہے فرض فرمایا ہے تو جو کہتا ہے کہ فقط قرآن ہمیں بتا صبح کی نماز کی رکعتوں کا ذکر قرآن میں کہاں آیا ہے اسی طرح ظہر عصر مغرب عشاء اور پھر نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن میں کہاں آیا ہے اسی طرح جتنی عبادات ہیں کیونکہ موضوع یہ نہیں کہ اس پہ ہم سارے دلائل دیں
मालूम हुआ कि जो सिर्फ कुरान से तकाजा करता है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक वही माना कि वह रसूलुल्लाह की हदीस का मुनकर है, वह रसूलुल्लाह की हदीस का। और ये गिरोह इस वक्त है, हमसे पहले भी था अब भी है, जो हदीस का क्या है, लिहाजा उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक। ये उसूल समझ आ गए कि जो हदीस का मुनकर है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक। अब अगली बात समझने में आसानी रहेगी, चंद मिसालें दे के मैं तकाबुल कराना चाहूंगा। और नियत फकत वही है जो अक्सर होती है, शायद किसी भाई की इस्लाह हो जाए, शायद किसी भाई की। मेरा अपने भाइयों से ये सवाल है कि बंदे को सबसे ज्यादा कीमती और महंगी चीज कौन सी नजर आती है जो जिस मजहब में है। मसलन हम मुसलमान हैं तो हमें सबसे ज्यादा कीमती, हमारे यहां मुसलमानों की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा कीमती हमारे यहां हर मुस्लिम के नजदीक उसकी जान से भी बढ़कर उसका मजहब होता है। उसका क्या होता है, अपने आप से पूछ लें अगर मेरी मिसाल गलत हो कि क्या मुझे मजहब अपनी जान से महबूब है कि नहीं, तो जवाब आएगा बिल्कुल महबूब है, बिल्कुल है। कोई काफिर है उसको भी अपने मजहब की तरफ निस्बत करते हुए अपनी जान से उसको अपना, भले वो मजहब गलत है लेकिन उसके यहां तो ठीक है ना, तभी तो उसने उसको पकड़ा हुआ है। जब उसको समझ आ जाएगी ये गलत है वो फौरन मुसलमान हो जाएगा, और फौरन क्या हो जाएगा। इसी तरह यहूदी हैं, ईसाई हैं, बुत परस्त हैं, जो जिस मजहब में लगा है उसके यहां सबसे ज्यादा महबूब भी वही मजहब होता है। अब सबसे पहली मिसाल मैं यही आपके सामने रखना चाहता हूं कि सहाबा कराम में कितने सहाबा ऐसे हैं जो अहले किताब थे, जो अहले यानी या इंजील को मानने वाले थे या तौरात शरीफ को, या यहूदी थे या ईसाई थे। लेकिन जो बात मैंने तमहीद में अर्ज की, अब उसको भी जहन में रखना है कि रसूलुल्लाह की हदीस का मुनकर बेईमान है, इस्लाम से खारिज है। अब जब उन तक रसूलुल्लाह का यह पैगाम पहुंचा, मसलन अब्दुल्लाह बिन सलाम को ले लें, तौरात के बहुत बड़े आलिम थे यहूदियों के, सरकार का पैगाम ही हदीस कहलाता है कि नहीं कहलाता, आपका फरमान ही हदीस कहलाता है कि नहीं कहलाता। जब सरकार का यह पैगाम यानी आपकी हदीस उन तक पहुंचती है, उनकी इत्तेबा देखना, सरकार से अमल की दुनिया में उनकी मोहब्बत देखना, फिर अपने हाल पर गौर भी करते रहना और रोते भी रहना। सबसे महबूब हर शख्स को अपना क्या होता है, जब सरकार की हदीस पहुंचती है वो अपना मजहब छोड़ के मुस्तफा करीम के हाथ पे दस्ते बैत हो जाता है। हुआ है कि नहीं हुआ, मिसाल समझ में आती है कि नहीं आती, कि महबूब से महबूब चीज को भी सरकार अलैहि सलाम के हुक्म की वजह से, आपके फरमान की वजह से, आपके इरशाद मुबारक की वजह से, आपकी हदीस की वजह से उन्होंने प्यारी से प्यारी चीज को तर्क करके रसूलुल्लाह के दिए हुए पैगाम यानी इस्लाम को कबूल किया कि ना किया।
یہ پہلی مثال. دوسری مثال, صحابہ کرام علیہ مردوان جس زمانے اور جس علاقے میں رہتے تھے, ابتدائی اسلام کی بات ہے, وہاں اسلام سے پہلے, اسلام سے یہ ایک عرف و عادت چلی آ رہی تھی کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ کیا کر دیتے تھے, دفن کر دیتے تھے. اس کی کئی وجوہات مفسرین نے ذکر کی ہیں قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے. اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے, انہی میں سے ایک شخص کا واقعہ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر ذکر فرمایا ہے. اب وہ کیا ہے, ایک شخص جس نے زمانہ جاہلیت میں اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا تھا. کس زمانے میں؟ یعنی اسلام لے آنے سے پہلے کے زمانے میں, سادہ لفظوں میں. پھر یہ مسلمان ہو گیا اور سرکار نے فرمایا کہ جو مسلمان ہے, جو یہ سیاہ ستہ کی حدیث مبارکہ ہے, مفہوم ہے اس کا, جتنی خوشی وہ اپنے بیٹے کی پیدائش پہ کرتا ہے, فرمایا اگر وہ مسلمان ہے تو اتنی ہی خوشی اپنی بیٹی کی پیدائش پہ کیا کرے. گویا سرکار نے بیٹی کو عزت کا تاج عطا فرمایا. جن کو جس معاشرہ میں زندہ دفن کیا جاتا تھا ان کے لیے سرکار نے اتنا بڑا جملہ عطا فرمایا, فرمایا جو مسلمان ہوگا, بات کس کی فرمائی ہے, وہ جتنا بیٹے کی ولادت پہ خوشیاں کرتا ہے اتنی ہی بیٹی کی پیدائش پہ خوشیاں کرتا رہے گا. اور پھر ایک مقام پہ, یہ ساری سیاہ کی حدیث مبارکہ ہیں, ایک مقام پہ سرکار علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے. سرکار صحابہ کو خطبہ دے رہے ہیں, ارشاد فرمایا اللہ تعالی جس میرے غلام کو تین بیٹیاں عطا فرمائے, کتنی؟ وہ ان کی اسلام کے مطابق پرورش کرے, پھر اسلام کے مطابق وہ جب بالغ ہو جائے ان کا کیا کر دے. سرکار نے اپنے ہاتھ مبارک کو یوں بلند فرمایا, انگلیاں یوں جدا جدا تھیں, پھر سرکار علیہ السلام نے ان دونوں انگلیوں کو یوں ملا دیا. فرمایا جس کو اللہ نے تین بیٹیاں دیں اور اس نے ان کی شریعت کے مطابق پرورش کی, اپنے لیے بوجھ ان کو منحوس نہ جانا بلکہ اللہ کی رحمت ہی سمجھا, بلکہ اللہ کی, فرمایا حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئی اور اس نے شریعت کے مطابق ان کا نکاح کر دیا. شریعت کے مطابق ان کا, میں ان جملوں کی وضاحت کی طرف نہیں جاتا, سمجھ تو آپ کو آ رہی ہوگی نا. جس نے شرعی پرورش کی ہو شریعت کے مطابق پھر کیا کیا ہو, یہ آپ کو سمجھ تو آ رہی ہے نا کہ سرکار کہاں یہ شاید فرما رہے ہیں, اور جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. تو فرمایا اے صحابہ ان بیٹیوں کی پرورش کی وجہ سے کل قیامت کے دن اس بچی کے والدین, فرمایا یوں انگلیوں کو ملا کے, اس طرح میرے ساتھ جنت کو چلے جائیں گے. ایک غلام کھڑا ہوا, اللہ تبارک و تعالی کی صحابہ کرام پہ کھربوں رحمتیں کہ جہاں بھی کوئی تھوڑی بہت ہمارے حق میں کوئی بہتری والی بات ان کی سمجھ میں آئی فوراً کھڑے ہو جاتے. اب سرکار نے تو تین کا ارشاد فرمایا نا, ایک غلام کے ذہن میں آیا ممکن ہے اللہ کسی کو دو ہی دے, کھڑا ہو گیا. اس نے دیکھا آج موقع ہے, سرکار کا رحمت والے دریا جوش میں ہے, آج جو منوانا ہے منوا لو, آج جو منوانا ہے. کھڑا ہو گیا, یا رسول اللہ ممکن ہے اللہ کسی کو صرف دو ہی بیٹیاں عطا فرمائے, آپ نے تو تین کا ارشاد فرمایا. سرکار نے فرمایا دو کے لیے بھی یہی اجر ہے. ایک اور کھڑا ہو گیا,
या रसूलल्लाह मुमकिन है किसी को अल्लाह फकत एक ही बेटी अता फरमाए? सरकार ने फरमाया एक वाले के लिए भी यही अजर है। अब इस पर मुल्ला अली कारी ने मजीद कलाम किया कि मुमकिन है किसी को बेटी अता ही ना हो, यह भी तो एक हालत है ना, किसी को बेटी अता ही ना हो। कसीर लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने इस नेमत से नवाजा ही नहीं है, उसकी मर्जी है, मालिक है। तो अब मुल्ला अली कारी मिरकात शरा मिशकात के अंदर इसी हदीस में कलाम करते हुए लिखते हैं, उसको चाहिए वो सिर्फ नियत ही कर ले, वो सिर्फ के मालिक अगर तू मुझे बेटी देगा, मुझे शहजादी अता फरमाएगा तो तेरे महबूब की इस हदीस पे मैं अमल जरूर करूंगा, तो अल्लाह उसको भी यही अगर अता फरमा देगा। अब ये हदीस और इस तरह का और मफहूम इस शख्स ने सुना, किसकी बात कर रहे थे? तफसीर कबीर के हवाले से, जिस शख्स ने जमाने जाहिलियत में अपनी बेटी को जिंदा, सरकार से जब बेटी की इज्जत और अजमत सुनी, कसीर हदीसें हैं बेटी की इज्जत और अजमत पर, तो ये शख्स रोना शुरू हो गया, दिन रात रो रहा है, इसका सुकून बर्बाद हो गया, इसका चैन बर्बाद हो गया, कई अरसा रोता रहा, आखिरकार इसने सोचा मैं कब तक रोता रहूंगा, क्यों ना हो कि जो मुश्किल आन पड़ी है, मुश्किल कुछ आज मौजूद है, सरकार की बारगाह में चलते हैं, अपील करते हैं, यार सुबह ये मामला है। तो इसकी इस हालत इजहार को देख के सरकार ने पूछ लिया, जब ये जुमले बोलता है या रसूलल्लाह जब से इस्लाम लाया हूं, जब से आज तक मेरा चैन मेरा सुकून बर्बाद हो चुका है। सरकार ने फरमाया वजह क्या है? अब रो भी रहा है, खुद अपनी कहानी सुना भी रहा है, या रसूलल्लाह इस्लाम लाने से पहले हम तो दरिंदों से भी अबतर थे, इस्लाम लाने से पहले दरिंदगी की जिंदगी हम लोग बसर करते थे, मैंने मुझसे गलती हो गई थी जमाने जाहिलियत में कि मैंने अपनी बेटी को, मैं उस वाक्य की तफसील की तरफ भी नहीं जाना चाहता, बस नतीजा था ना, आपको बात मकसाना मकसूद है कि उनका अमल क्या था और हम क्या कर रहे हैं, मकसूद असल में यह है। यह वाक्य सुनाना सिर्फ इस नजरिए से था कि उनका अमल क्या था और हम क्या कर रहे हैं। या रसूलल्लाह मैंने अपनी बेटी को जिंदा, जब से इस्लाम लाया हूं आपसे बेटी के मुतलका रहनुमाई सुनी है तो बस मुझे वो याद आती रहती, बस मुझे उसका चीखना और पुकारना। गौर करो, ये वही है जिसने अपने हाथ से अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया था, मार डाला था, कई अरसे बाद मुस्तफा करीम की निस्बत में सोहबत में आता है, अब अपने उस किए हुए गुनाह पे रो रहा है। ये तब्दीलियां कैसे आईं? ये वही है ना जिसने अपनी लख्त जिगर बेटी को दफन कर दिया था, आज उस किए हुए गुनाह पे इसका सुकून बर्बाद हो गया, इसका चैन खत्म हो गया। ये सारा फैजान कहां से था? मुस्तफा करीम की निस्बत का फैजान है, आप अली सलासीम की सोहबत का फैजान है। अब किया हुआ पे इतना नाजम है, भले इस्लाम ला चुका है, सुकून बर्बाद है। यार सुनो, बस ये वजह है। अब सरकार ने इरशाद फरमाया चलो सुन, इस वजह से परेशान ना हुआ कर, तूने क्योंकि हमें अल्लाह का क्या मान लिया है, अल्लाह को वाहदा हूं गोया इस्लाम कबूल कर लिया, तूने इस्लाम फरमाया, ये हमारी सोहबत में आना, मफहूम है हदीस, हमारे हाथ पे दस्ते बैत होना, ये इतनी अजीम नेकी है, जा तुझे मैं खुशखबरी देता हूं, तेरे पिछले सारे गुनाह अल्लाह ने इस बरकत से माफ फरमा दिए। दो मिसालें हो गई, तीसरी मिसाल, सरकार के गुलामों पर इब्तदाए इस्लाम में कितनी नमाजें पढ़ते थे?
सिर्फ दो, एक सुबह एक मेराज शरीफ से पहले की बात कर रहा हूं। इस्लाम का वो दौर जो मेराज से इमाम अहमद रजा खान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फतावा रजविया शरीफ में और भी अइमा ने लिखा कि पांच नमाजों की फर्जियत से पहले सहाबा कितनी नमाजें पढ़ते थे, एक सुबह एक शाम। जब सरकार अलैहिस्सलाम मेराज से वापस तशरीफ लाए तो कितनी नमाजों का तोहफा लेके आए। अब सरकार की हदीस उन तक पहुंची कि आज से नमाजें कितनी फर्ज हो गई हैं, सरकार की क्या पहुंची। ये पहले को भी हदीस पहुंची थी, दूसरे बेटी वाले को भी सरकार की, सरकार का फरमान ही हदीस है ना। और इन तीसरी मिसाल में भी सहाबा को क्या पहुंची, फरमाया अल्लाह ने तुम पर ये मैं तोहफा लेके आया हूं। अपने आप से पूछ के बताओ, आपके सिर्फ एक बार फरमाने के बाद कि आज से नमाजें कितनी फर्ज हैं, किसी सहाबी की एक नमाज कजा हुई हो, बोलो तो सही। पहुंची क्या थी उन तक, मैंने इसलिए तमीज रखी थी, फिर आपको भी तो हदीस ही पहुंचती है ना। आगे आ रहे हैं हम, किस तरफ भी आ रहे थे, क्योंकि ये ना कहे उस वक्त और चीजें पहुंचती थीं, अब और पहुंचती हैं। भाई उस वक्त भी हदीस पहुंचती थी, अब भी हम तक, और जो ना माने वो काफिर है, जो हदीस को ना माने वो। इसलिए तमहीद पहले रखी थी ताकि अहमियत हदीस बरकरार रहे, अहमियत हदीस मुबारका बरकरार रहे। इस्लाम के इब्तदाई दौर में सिर्फ दो नमाजें हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज के बाद कितनी हुई, सहाबा तक हदीस पहुंची बगैर चूनो चिरा के, बगैर किसी गुफ्तगू के, उन्होंने दो की जगह पांच पढ़ना। रमजान के रोजे की मिसाल की तरफ आ जाएं, ये चौथी मिसाल है आज के दर्स में। इब्तदाए इस्लाम में रमजान के रोजे मुसलमानों पे फर्ज बाद में हुए। सिर्फ 10 मुहर्रम अल हराम शरीफ का रोजा इन रोजों की फर्जियत से पहले, अलामा खाजन ने तफसीर खाजन में लिखा है, वो मुसलमान रखा करते थे साल में एक जो जरूरी था उन पे, इसके अलावा कोई रोजा फर्ज। रमजान अल मुबारक के रोजे जब फर्ज होते हैं तो सरकार ने हुक्म दिया कि ऐ मेरे गुलामों, अल्लाह पाक ने तुम्हारे ऊपर एक साल में रमजान शरीफ का पूरा महीना रोजे क्या कर दिए हैं। किसी सहाबी ने रोजा छोड़ा, हदीस आ जाने के बाद, सरकार का हुक्म आ जाने के बाद किसी गुलाम ने रोजा छोड़ा। इब्तदा में ज़कात फर्ज नहीं, कितवी मिसाल है, पांचवी। जब सरकार की हदीस पहुंचती है, उन हदीस में मैं एक अर्ज करना चाहता हूं जिसको अलामा कासानी रदी अल्लाह अन्हु ने अलबदाय व सनाय के अंदर जिक्र किया, किताब ज़कात के अंदर। सरकार ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों, कयामत के दिन कोई मेरे पास इस हालत में ना आए, इस हालत में। हुक्म किनको है यार, मुखातब तो सहाबा हैं, गो समझाना हमें मकसूद था। मेरे पास इस हालत में तुम में से कोई ना आए कि उसके जिम्मे ज़कात की अदायगी बाकी हो और वो मुझे आके कहे मेरी बख्शिश और सिफारिश का सवाल करे। फरमाया मेरे पास इस हालत में कोई ना आए। इस जुमले को गौर से सुनने की जरूरत है। हदीसें तो और भी बहुत थी ज़कात के मौजू पे, इसको ले आने का मकसद भी यही है कि मुमकिन है कुछ सुनने के बाद इस गुनाह से तौबा करके अल्लाह की बारगाह में ज़कात देने वाला बन जाए। मेरे भाई, जिनकी शफाअत कुबरा पर
हमें नाज है कि सरकार की शफात के वसीले से इंशाअल्लाह बख्शिश हो ही, शफात के मालिक का हुक्म है। फरमाया अगर ज़कात जिम्मे बाकी हो तो मेरे पास ना आना, मेरे पास फिर कोई और रास्ता अख्तियार कर लेना। मकसूद सिर्फ ज़कात नहीं, ज़कात क्योंकि फर्ज है, मकसूद है कि अल्लाह के फराइज अगर तुम्हारे जिम्मे हुए तो फिर सुन लो मेरे पास ना आना, फिर सुन लो मेरे पास। गौर करो, जब सरकार की हदीस सहाबा को पहुंचती है, कोई एक बंदा आप बता सकते हैं जो अपनी जकात का हिसाब करके जकात न देता रहा हो? सहाबा की दुनिया की बात कर रहा हूं। आखिरी मिसाल फिर आपकी तरफ, अपनी तरफ आता हूं। जमाने जाहिलियत में और सहाबा के दौर में इस्लाम में लोगों के फंक्शनों पर, यहूदों नसारा के फंक्शनों पर, काफरों के फंक्शनों पर गाने बाजे की, शराब नोशी की महफिलें सजाया करते थे वो लोग, नाच की महफिलें सजाया करते थे, गाने बाजे की, बोलो तो सही यार, अमल पे दर्श है इसलिए चुप है, फजीलत पे हो तो अहले सुन्नत बड़ी जल्दी बोलते हैं। मेरे भाई फजीलत भी मुसल्लम, लेकिन फजीलत का फायदा बगैर अमल के नहीं होता, बगैर अमल के नहीं होता। मैं आखिर में शायद 5 मिनट इस मौजू पे भी अर्ज करूं अगर मालिक ने मुझे तौफीक दी। गौर करना, उनके जमाने में, उनके दौर में लोगों के फंक्शनों पर, शादियों पर, मुख्तलिफ खुशियों के मौके पर, मेलों पर जो जमाने जाहिलियत से सजते हुए आ रहे थे, शराब नोशी, गाने बाजे और कंजरियों का नाचना, ये क्या था? सरकार ने फरमाया मेरे गुलामों, इस्लाम में ये सब हराम है, इस्लाम में ये सब। तो किसी साहबी की शादी पे ये फंक्शन देखने को मिला कायनात में किसी को? मिले ही क्यों? वो तो सरकार के हुक्म पे जान का नजराना पेश कर दिया करते थे। तो अमल तो एक छोटी सी बात होती है, क्योंकि हकीकी मोहब्बत, हकीकी मोहब्बत करने वाला सरकारे मदीना से, आपकी जात से हकीकत में मोहब्बत रखने वाला किसी सूरत में मुस्तफा करीम की नाफरमानी नहीं करता। जो कहे मुझे मोहब्बत भी है और नाफरमानी भी करे, वो अपनी मोहब्बत में झूठा इंसान है। वो अपनी मोहब्बत में क्या है? मैंने मिसाल उन लोगों की रखी है अमल की दुनिया में कि जिन लोगों को कुरान कह रहा है, ऐ लोगों अगर तुम्हारा नजरिया, ईमान, अकीदा सहाबा जैसा हो जाए तो फका देह तदऊ, कुरान कह रहे तुम भी हिदायत याफ्ता बन जाओगे। उन लोगों को मैंने सामने रखा है। अब मैं इन्हीं मिसालों पर इक्तफा करते हुए अपने भाइयों और बुजुर्गों से अपील करना चाहता हूं, जब उन नफूसे कुदसिया तक रसूलुल्लाह की हदीस पहुंचती कि सरकार ने यूं फरमाया, सरकार ने वो उसके खिलाफ किया, और जब हम तक हदीसें पहुंची, हम तक क्या पहुंची? हदीसें, उन तक हदीस, हम तक हदीसें, क्योंकि अब तो हदीस का जखीरा मुदवन हो चुका है। एक किताब में हमें हजारों हदीसें पहुंचती हैं रसूलुल्लाह की, सही बुखारी कोई देख लें, हजारों की तादाद के अंदर अहदीस मुबारक सही बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। एक किताब की मैंने बात की है जो इतनी जखीम भी नहीं है, इतनी बड़ी भी नहीं है। अगर आप मुसनद इमाम अहमद बिन हम्बल की तरफ निस्बत करें तो शायद सही बुखारी मुसनद इमाम अहमद बिन हम्बल की 20 जिल्दों में से शायद 3 जिल्दों तक मुकाबला करें, जखीरा हदीस के जमा होने के एतबार से। गौर करें, एक हदीस की किताब में हम तक हजारों हदीसें पहुंची, उन तक एक पहुंचती वो मर जाते, लेकिन रसूलुल्लाह की हदीस के खिलाफ। हम कैसे मुहिब हैं,
हम कैसी रसूलुल्लाह से मोहब्बत रखते हैं, हजारों हदीसें हम तक पहुंची, उलमाए ज़ीशान की जिंदगियां हदीसें सुना सुना के खत्म हो गई, हमने कितना हदीस पे अमल किया है। ये रोना मैंने आज रोना था इस दर्श में। बताएं आप कितना अमल है हमारा। अगर आप नमाज ही के हुक्म को देख लें, रसूलुल्लाह की किस आपकी बात करता हूं या इंटरनेट के जरिए ये हमारी कलाम गुफ्तगू कायनात के जिस जिस गोशे तक जिस जिस मुस्लिम तक पहुंचे, मैं उससे सवाल करता हूं बमाए आपके, बताया जाए कि रसूलुल्लाह की हदीस सहाबा को पहुंची कि पांच वक्त की नमाज क्या है। उन्होंने कहा बस फर्ज ही है, ठीक हो गया। दूसरी बात उन्होंने काम शुरू कर दिया। और उनकी क्या बातें करूं मैं, हमसे पांच के लिए फुर्सत नहीं, वो सारी सारी रात खड़े होकर नवाफिल में गुजार दिया करते थे। हमारे पास साल में एक महीने के रोजे रखने की फुर्सत नहीं, वो साल के अक्सर दिन जहां तक उन विचारों की ताकत ना पहुंचती वो वहां भी कदम उठा डालते। मसलन सया के हदीस मुबारका है, सरकार अली सलात व तस्लीम ने रोजा रखा इफ्तार ना किया। भाई ये मतलब नहीं कि हर रोज रोजा रखा, आज जो रखा है शाम को इफ्तार ही नहीं किया, चल रहा है रोजा, अगले दिन भी नहीं किया, अगले दिन भी नहीं किया, अगले दिन भी। जब गुलामों ने देखा कि सरकार ने तो ऐसा रोजा रखा है, उन्होंने भी शुरू कर दिया। मोहब्बत हो तो फिर ऐसी हो, उन्होंने भी, हालांकि हुक्म भी नहीं आया कि तुम भी यूं रखो। चंद थोड़ा सा वक्त, थोड़े से दिन गुजरे तो जहर जो हालत होनी थी वो आपको भी पता ही है, जब आम बंदा इफ्तार ही ना करे तो सरकार ने हालत देख के पूछा खैरियत है। अर्ज किया रसूलल्लाह आपने रोजा रखा है इफ्तार नहीं किया, हम भी आपके तरीके पे चल रहे हैं इसलिए ये हालत हो गई है। सरकार अलैहि सलातो व तस्लीम ने खुतबा दिया, फरमाया अय्युकुम मिसली, इनमें अबू बकर जैसी हस्तियां भी हैं, फरूक आजम जैसे भी बैठे हैं, इनमें उस्मान गनी जैसे नफूस कुदसिया, सैयदना अली अल मुर्तजा रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन, बद्री साहबा, बड़े बड़े अजिल्ला साहबा बैठे हैं, अहल बैत बैठे हैं। सरकार ने फरमाया अय्युकुम मिसली, तुमने जो मुझे देख के वही काम शुरू किया जबकि मैंने हुक्म तुम्हें हुक्म नहीं दिया, तो मेरे जैसा तुम में है कौन, मेरी मिसल कोई है तुम में। अब जब ये हदीस ये फरमान सुन के अबू बकर सिद्दीक जैसी हस्ती को समझ आ रही है कि हम सरकार जैसे, तो आज के मौलवी को क्यों नहीं समझ आई। आपने मेरी बात को समझा, जो आज कहता है रसूलुल्लाह हमारे जैसे हैं। और तू अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु की पांव मुबारक की खाक के करोड़ में हिस्से के बराबर नहीं हो सकता, उनकी समझ में नहीं आया। रसूलुल्लाह डायरेक्ट उनसे पूछ रहे हैं अय्युकुम मिसली, अबू बकर भी बैठे हैं, तुम में कौन है जो मेरे जैसा हो। सबकी गर्दनें झुक जाती हैं, या रसूलल्लाह कोई भी नहीं। फरमा फिर हुक्म नहीं है ना, इस तरह रोजा रखना छोड़ दो, क्योंकि मुझे तो मेरा रब खिलाता भी है पिलाता भी है। मेरी तो बात ही और है, मेरी तो बात ही। फिर फरमाया लस्तु कहियाती को, एक जुमले में फरमाया तुम में से कोई मेरे जैसा नहीं, दूसरे में फरमाया मैं तुम में से किसी जैसा नहीं, न तुम मेरी मिसाल हो, न मेरे जैसे बन सकते हो, न मेरी हायत तुम्हारे आम लोगों जैसी है। मुझे रब ने बनाया अजीम है, मुझे रब ने बनाया ही। उनकी तो ये हालत थी रसूलुल्लाह की मोहब्बत की बिना पर कि जिसका हुक्म भी ना था, उनकी ताकत भी उस काम को करने के लिए नहीं थी, लेकिन उस मैदान में कूद पड़े क्योंकि सरकार जो रख रहे हैं, क्योंकि सरकार जो। अपने आप पे गौर करो, साल में एक महीने के रोजे जो अल्लाह ने फर्ज किए, रसूलुल्लाह की कसरत से हदीसें हैं रोजा रखने की फजीलत पे और ना रखने के वईदात पे, हमारा कितना अमल है। गलत बात तो नहीं कही मैंने, उन लोगों की जकात
तो दूर की बात है, सरकार अलैहि सलाम एक गुलाम को पूछने जाते हैं, बीमार थे, जकात आज जो जकात नहीं देता मैं उसको समझा रहा हूं। और साल में एक मरतबा 100 के पीछे कितने देने होते हैं? 2.5 रुपए साल में एक दफा। आज जो दरिंदा बन के बैठा है उस दौलत में सांप बन के, मैं उससे पूछता हूं, सरकार अपने गुलाम को पूछने जा रहे हैं। उसने अर्ज की, बीमार थे या रसूलल्लाह, अगर इजाजत हो तो मैं अपना सारा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दूं। सरकार ने फरमाया, इस्लाम में इजाजत नहीं है, क्योंकि तेरी औलाद मौजूद है, क्योंकि तेरी औलाद। अपील की, या रसूलल्लाह मैं फिर आधा माल खर्च कर दूं? फरमाया, इस्लाम में आधे की भी इजाजत नहीं, क्योंकि तेरी औलाद। अपील की, या रसूलल्लाह फिर तिहाई की इजाजत है? फरमाया, हां तिहाई बहुत है, तिहाई बहुत है, तिहाई तो खर्च कर सकता है। और इसी हदीस से ये वसीयत का बाब निकल आया कि अगर कोई बंदा अपने मरने के बाद अपने माल की अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की वसीयत करे तो सिर्फ अपने माल के तिहाई हिस्से में वसीयत कर सकता है, इससे ज्यादा में नहीं कर सकता, इससे ज्यादा में। और जिंदगी में जिसकी औलाद है सारा कुछ ही उसको सदका करने से रसूलुल्लाह ने मना फरमा दिया। यहां जकात नहीं देते, वहां रसूलुल्लाह की मोहब्बत में वो अपीले कर रहे हैं, आप इजाजत दे दे मैं सारा माल ही अल्लाह के रास्ते में दे दूं। हजरत सैयदना तला अंसारी रदियल्लाहु अन्हु नमाज की हालत में थे, इनका बहुत बड़ा कीमती बाग था, तो आपके ख्यालात में ऐने नमाज वो बाग घूमने लगा। जब नमाज से फारिग होते हैं अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह ये बाग अल्लाह के रास्ते के लिए मैंने वक्फ कर दिया, क्योंकि इसकी वजह से आज मेरी इबादत में खलल पड़ा है। उनकी हालतें क्या पूछते हो, सारा सारा दिन मजदूरी करते थे, शाम को अगर 2 रुपए मिले ना अगले दिन 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देते, एक घर वालों के लिए रख लेते थे। सरकार ने फरमाया था, एक दिरहम लाख दिरहम से भी बढ़ गया, ये बकायदा हदीस मुबारक के जुमले, एक दिरहम लाख दिरहम से। सरकार की बारगाह में गुलामों ने आज की, या रसूलल्लाह एक कहां लाख कहां? फरमाया, सुन लो, एक बंदा है उसकी सारी दौलत है ही सिर्फ 2 दिरहम, है ही सिर्फ 2 रुपए है अपने एतबार से अगर मैं मिसाल करूं, और दूसरा है फरमा उसके पास लाखों पड़े हैं, तो जिसने 2 में से 1 दे दिया उसने कितनी दौलत अल्लाह के रास्ते में दे दी? तो लाखों में से 1 लाख देने वाले ने आधी तो नहीं दी। फरमाया, अब बताओ बड़ा 1 लाख से कि ना बड़ा? अर्ज की, या रसूलल्लाह बढ़ गए। उनकी तो हालत ये होती थी। और यहां हदीस है पहुंचने के बावजूद साल के बाद 100 में से 2.5% निकालना इनको चट्टी नजर आता है, ऐसी बात है कि नहीं? गौर करो ना, आखिर क्या वजह है? उन तक रसूलुल्लाह की हदीस पहुंचती, सारी दुनिया को पीछे कर देते, सारे रस्म रिवाज छोड़ देते, सिर्फ सरकार की हदीस पे अमल किया करते थे। और हम तक कई हदीसें पहुंचे, हम टस से मस ना हूं फिर कहें हम आशिक रसूल हैं, शर्म नहीं आती? फर्क क्या है? सिर्फ हदीस पहुंचाने वाले की तरफ निस्बत करें तो फर्क आता है, वहां डायरेक्ट सरकार अक्सर को और बाद सहाबा तक सहाबा पहुंचाते थे, और यहां सरकार के गुलाम पहुंचा रहे हैं। फर्क इतना है, जिस चीज को पहुंचाया जा रहा है वो तो एक ही है कि नहीं है? ये ऐसा फर्क है कि इसकी हम मिसाल नहीं दे सकते, किसी तक सहाबी ने पहुंचाई या डायरेक्ट सरकार ने, क्योंकि हम तो उनके पांव की खाक के बराबर ही नहीं हो सकते। लेकिन गौर तलब बात यह है, जो पैगाम पहुंचाया जा रहा था आज से 1400 साल पहले, आज भी वही पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? अब अपने आप से पूछो, हम कितने रसूलुल्लाह की मोहब्बत में सच्चे हैं? इन नुफुस कुदसिया की सीरत को देखकर, आज तो बदमाशी यहां तक सिरात कर गई,
جو مسلح امامت پہ کھڑا ہے, مسلح امامت پہ, وہ بھی چہرہ فاسقوں والا بنا کے کھڑا ہے. کئی مساجد کے آئمہ ہیں جو داڑیوں کو کتراتے ہیں, چھوٹا کرتے ہیں شریعت کے حد سے, اور پھر مسلح امامت پہ بھی کھڑے ہیں. شرم و حیا نہیں آتی ایسے فاسق و فاجر کے پیچھے اسلام کی روشنی میں نماز پڑھنا ہی مکروہ تعلیمی ہے, اس کو امام بنانا گناہ ہے. آج حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے جو دوسروں کا نماز کا امام ہے وہ خود فاسق و فاجر ہے, وہ خود فاسق و فلمیں دیکھتے ہیں امام, جو دیکھتے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں, ڈرامے دیکھتے ہیں امام, گانے والے سنتے ہیں امام, گھر میں شادیوں کے فنکشن پہ نچواتے ہیں عورتوں کو امام. بتاؤ تو صحیح, یہ امامت اللہ کی رضا کے لیے ہوگی یا دنیا کی دولت کو کمانے کی غرض سے ہوگی؟ اگر اللہ کی رضا کی خاطر ہے تو پھر یہ فاسقوں والے کام کیوں ہیں؟ میں اپنے شعبے کے لوگوں سے مخاطب ہوں, میں خود بھی امام ہوں, میں کوئی غلط بات تھوڑی کہہ رہا ہوں, جو کہہ رہا ہوں قرآن و حدیث سے میں اس کا ذمہ دار ہوں. آپ کہیں کہ صرف ہمیں ہی نہیں جوڑتا, میں سب سے پہلے اپنے ہی شعبے کے متعلقہ لوگوں سے مخاطب ہوں. بتاؤ اگر تم اللہ کی رضا کی خاطر نمازیں پڑھاتے ہو تو پھر تم نے رسول اللہ کی شریعت کو توڑا ہوا کیوں ہے؟ ادھر رسول اللہ کی حدیث مبارکہ ہے, جو علم دین کو دنیا کے سکے کمانے کے لیے پڑھے گا میرا رب اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں پانے دے گا. اور آج ایسے چمچے کلچے, ایسے فاسق و فاجر, سید الجہلاء آل سنت کے وہ خطیب ذیشان کہلاتے ہیں, جن سے بندہ تبلیغ کے لیے اگر ٹائم مانگے تو ان کی اتنی لمبی زبان باہر آتی ہے کہ اتنے پیسے پہلے دو پھر تبلیغ کے لیے آئیں گے. ارے بےمانو, رسول اللہ کے دین کو بیچ کے آتے ہو؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ بلانے والا بھی مجرم ہے, جو آ رہا ہے وہ بھی مجرم ہے. مجرم سے آپ سٹیج پہ بیٹھ کے دین اسلام کی تبلیغ کر کے لوگوں سے عمل کی توقع رکھتے ہیں؟ اور ان میں اکثر ویسے ہی سید الجہلاء ہیں, میں نام ہی ریپ نہیں کروں گا, وہ ہیں ہی جہلوں کے سردار جو اتنے اتنے پیسے مانگ کے آتے ہیں. اپنے مسئلہ کی بات کر رہا ہوں, رونے کا مقام ہے کہ یہ نہیں ہے؟ پھر اگلی کہانی سن لیں. رسول اللہ کے منبر پہ, بھائی مصلی امامت ہو یا منبر رسول ہو, سٹیج جس پہ کھڑے ہو کے نعت پڑھنی ہے, تلاوت کرنی ہے, رسول اللہ کی احادیث کی بات کرنی ہے, شریعت کی بات کرنی ہے, یہ ایک عزت کا مقام ہے. اسلام کی روشنی میں یہ کس چیز کا مقام ہے؟ رونے کا مقام ہے. میرے سنی بھائیو, ہمارے ہی مسلک کے اندر مختلف محافل میں آپ نے دیکھا بھی ہے, اور اللہ آپ کی زندگی لمبی رکھے, آپ دیکھتے بھی رہیں گے, فاسقوں اور فاجروں کو سٹیج پہ بٹھایا جا رہا ہے, جس کی شکل یہودیوں جیسی ہے وہ بھی سٹیج پہ کھڑا ہے. یہ نہیں ہوتا ہماری محافل میں. رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے؟ فرما داڑیوں کو بڑھاؤ, سیاسی تک کی حدیث, خالف الیہود, یہودیوں کی کیا کرو؟ مخالفت کرو. وہ بغیر داڑیاں کتراتے ہیں, منڈاتے ہیں, تم میرے غلام ہو, تمہارے چہرے پہ میرے چہرے کی طرح داڑھی مبارک سجی ہونی چاہیے. اور جس امت کو سمجھانے والا ہی فاسق و فاجر ہو جائے, جس امت کو تبلیغ کرنے والا ہی بےمان ہو جائے, یہودیوں جیسی شکل رکھ کے ہم اس نعت خواں کو بلاتے ہیں, کیا اس میں رسول اللہ کی محبت باقی ہے جس کی شکل رسول اللہ جیسی نہیں ہے؟ ہم ایسے نقیبوں کو اپنی محافل میں نقیب محفل بنا کے لے آتے ہیں اور عزت کے مقام پہ کھڑا کرتے ہیں. میرا سنیوں سے یہ درد مندانہ سوال ہے, بتائیں اگر اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہوتی تو کیا اس کا چہرہ یہودیوں جیسا ہوتا؟ بولو تو صحیح. جہاں میں بھول جاؤں, کیونکہ میں ایک انسان ہوں, آپ کھڑے ہو کے میری اصلاح کر سکتے ہیں, میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا, لیکن جہاں بھولوں گا وہاں آپ کو بھی دلیل دینی ہوگی کہ آپ نے یوں کہا ہے, حالانکہ حدیث میں یوں ہے. ایسے نہیں مانوں گا جیسے آپ میری بات کو بغیر حدیث کے نہ مانیں.
आज वो नात खां, वो शोरा हजरात जिनकी शकल इस्लाम के खिलाफ है, हम उसको इज्जत दे के बड़ा अजीम प्रोटोकॉल दे के बड़े नारों की गूंज में इस इज्जत के मकाम पे ले आते हैं। ले आने वालों को, आने वालों को शर्मो हया नहीं आती? क्या जवाब देंगे कल रसूलुल्लाह को? बताएं मुझे रसूलुल्लाह के सहाबा में कौन सा ऐसा शख्स था जो इस हालत का माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह इस हालत में होके भी तबलीग करता था? बताया जाए मुझे जरा। उनके जिस फर्द को भी देखो, पांव से लेकर सर तक, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, जलवत से खलवत और खलवत से जलवत तक, जिस किरदार की हालत को देखो रसूलुल्लाह की सुन्नत की खुशबू रहती हुई नजर आती है। ये क्या अजीम नुकसान हो रहा है मसलक का, ये क्या अजीम मसलक के खिलाफ चंद लोगों ने, मसलक कहलाने वाले, आले सुन्नत कहलाने वालों ने आले सुन्नत के अजीम मसलक को बदनाम करने की साजिशें शुरू कर रखी हैं। खुदा का नाम लो, ऐसे काम छोड़ो जो रसूलुल्लाह की शरीयत और हदीस मुबारक के खिलाफ हूं। मुसलमान की जिम्मेदारी है कि उन कामों को, जो कुछ मैंने कहा ये नहीं होता, ये तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ हमारी महफिल में होता है ये तो कुछ भी नहीं है। उसका अक्सर रोना हमने इस रबीउल अव्वल के अंदर रोया था, जो कुछ हमारे यहां होता है। मेरे भाई खुदा का खौफ करें, गौर करें। चलो एक बंदा ही समझ आए तो यही भी महफिल सजाने का मकसद कामयाब हो गया। हमने आपको क्यों बुलाया? अपना दीदार कराने को? हरगिज नहीं। आप क्यों आए हैं हमें देखने? हरगिज नहीं। इसलिए वक्त दे के बैठे हैं ना कि रसूलुल्लाह का दीन सीख लेंगे। मैं भी इसलिए बैठा हूं ना यहां कि सरकार का दीन सिखाऊंगा। मुमकिन है अल्लाह पाक किसी को हिदायत अदा कर दे, इसके सिवा मेरी और तो कोई नियत नहीं, और आपकी भी इसके सिवा कोई नियत नहीं, क्योंकि मोमिन के बारे में अच्छा गुमान होना चाहिए। तो बताएं उनकी जिंदगियों की तरफ निस्बत करें, हदीस जब पहुंचती थी उनका तर्ज अमल क्या था, और जब हम तक पहुंची तो हमारा तर्ज अमल क्या है। ये अपने आप से सवाल करते रहिएगा, तकाबुर करते रहना कि थे वो भी मुसलमान हैं, हम भी। पहुंचती उन तक भी सरकार की हदीस थी, पहुंचती हम तक भी सरकार की, आखिर ये फर्क कहां से निकल आया? वो हर हदीस पे अमल कर रहे हैं, हम अक्सर से रू गर्दानी किए हुए हैं, हम अक्सर से रू। कुछ समझ में आने वाली बात है कि नहीं है? तो फिर अपने आप से पूछना चाहिए कि नहीं? फिर अपने आप को तब्दील करना चाहिए कि नहीं? किस एतबार से? अमल की दुनिया में जब आपका अमल रसूलुल्लाह की सुन्नत और शरीयत पे आ गया ना, फिर आपको नारे लगाने की जरूरत नहीं है। सरकार खुद फरमाते हैं ये मेरी मोहब्बत में सच्चा मुसलमान है। काल नबी सलातो तस्लीम मन अहया सुन्नती फकद अहब्बानी। अलामा साहब बैठे हैं, अरबी को जानते हैं। फकद अहब्बानी कितनी दूर तक काम कर रही है लुगत के एतबार से? ये जुमला कितनी दूर तक काम कर रहा है? सरकार ने फरमाया मन अहया सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत पे अमल किया, मफहूम हदीस, जिसने मेरी सुन्नत पे फकद अहब्बानी, पक्की बात है, मजबूत बात है, मुसल्लम बात है। फरमाया मैं रसूलुल्लाह होके कह रहा हूं जो मेरी सुन्नत पे अमल करता है फकद अहब्बानी, वो मुझसे मोहब्बत करने वाला होता है। फकद तहकीक के लिए आया, फिर अहब्बानी ये माजी का सीला है, और माजी में जब कोई काम हो जाए तो वो हर एतबार से कंफर्म होता है। मसलन सुबह की नमाज हमने पढ़ी, ये माजी हो गया। अब पक्की बात है ना कि हमने, कोई शक शुबा? सरकार ने माजी का सीगा इसलिए लौटाया है कि लोगों फकद भी है, माजी भी है, फिर अहब्बा नीम अहब्बा भी है। शक के साथ सरकार ने फरमाया कि पक्की बात है
जो मेरी शरीयत तो सुन्नत पे चलता है, मैं सारे रसूलों का इमाम होते हुए फतवा दे रहा हूं, फकद अहबनी, वो बंदा मेरी मोहब्बत में सच्चा होता है। ये है रसूलुल्लाह की मोहब्बत, ये है सरकार से इश्क, ये है रसूलुल्लाह से निस्बत, हकीकी मोहब्बत ये है, बाकी सब नारेबाजियां हैं। फिर सरकार ने फरमाया, जो हमसे सच्ची मोहब्बत करे उसको सिला क्या मिलता है, वमन अहब्बनी फकद कान माया फिल जन्ना औ कमा काल अली सलाम। ये तो समझ आ गई है ना कि सरकार की मोहब्बत में सच्चा कौन होता है, बोले कौन होता है। सारे बोलेंगे मैं अगला तर्जमा फिर करूंगा, पीछे वाले भाई नाराज हो गए क्या, बोले ना। रसूलुल्लाह का फतवा कि मेरी मोहब्बत में सच्चा कौन, जवाब अता करें आप लोग। रसूलुल्लाह ने फतवा अता फरमाया, मेरी मोहब्बत में सच्चा कौन, जवाब आप देंगे। रसूलुल्लाह ने फतवा अता फरमाया कि मेरी मोहब्बत में सच्चा कौन, जवाब। इस फतवे में किसी को शक की गुंजाइश, क्योंकि वो तो फिर हदीस का मुनकर हुआ, और जो हदीस का मुनकर है वो इब्तदाए इस्लाम, इब्तदाए दर्श के अंदर आपको बता दिया कि वो इस्लाम से खारिज होता है। और फिर सरकार ने फरमाया, जो मुझसे मोहब्बत कर रहा है, और कर कौन रहा है, जो आपकी शरीयत पे चल रहा है, अमल कर रहा है, फरमाया फकद काना माया फिल जन्ना। माया मीम और आइन, मा माया, ये माया है सादा लफ्ज में अगर आपको समझाऊं तो, ये माया नहीं है, ये माया है। फरमा जन्नत में वो यूं मेरे साथ चला जाएगा, यूं माया कमाना, आपको बता रहा हूं समझा के सामने मिसाल देख, ये जुदा है ये साथ है। तो मा कमाना अरबी में साथ वाला होता है। फरमा माया जो मेरी शरीयत पे चलता है, कल कयामत के दिन वो इसी तरह मेरे साथ जन्नत को चला जाएगा। ये है सरकार की मोहब्बत, ये है रसूलुल्लाह का इश्क। और अब हर मुसलमान, हर मेरा भाई बुजुर्ग, आप काबिल साद एहतराम हैं कि आप रसूलुल्लाह की शरीयत को सुनने के लिए वक्त निकालते हैं, काबिल साद एहतराम है, जितना एहतराम किया जाए कम है। लेकिन गौर करें कि अमल कितना है, क्या ख्याल है, फिर आज के दर्श को सुनने के बाद कुछ तब्दीली ले आने का इरादा है कि नहीं है। बस अल्लाह से दुआ गो हैं, अल्लाह मुझे भी आप सबको भी और हमारे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को जब तक हम जिंदा रहें बस सरकार की शरीयत पे चलने की तौफीके। आमीन बिजाह नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। एक